हमारे चैनल में यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल एजुकेशन से संबंधित जानकारी। आज के इस वीडियो में मेरे दोस्तों आपके लिए एक ऐसे आईपीओ के बारे में जानकारी लेके आया हूँ जिसमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना देखने को मिलती है, क्योंकि इस आईपीओ का करंट ईयर मार्केट प्रीमियम जो है ये काफ़ी हाई पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल में हम यहाँ पे समझेंगे कि हम आईपीओ में एप्लीकेशन कैसे लगा सकते हैं, आईपीओ की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कंपनी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, उसके बाद हम बात करेंगे इसके करंट ईयर मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले तो N-1 एप्लीकेशन पर आते हैं और N-1 एप्लीकेशन में यहाँ पर समझेंगे कि हम UPI मोड से IPO का किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं, किस प्रकार से ऑर्डर लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे साइड में N-1 का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि आपको IPO के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पे IPO का एक बटन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो अभी IPO आए हैं उनकी लिस्ट ओपन हो जाती है। तो यहाँ हम जिस IPO की बात कर रहे हैं, इस IPO का नाम है बेलिसिक फ्लाई स्टूडियो लिमिटेड का IPO। यह एक NSE SME IPO है और NSE SME कंपनियाँ जो होती है ये छोटी कंपनीज होती है जो कि मार्केट से फंड जुटाना चाहती हैं। तो यह IPO में जो ऑर्डर लगाने की जो डेट है, ये IPO आज से ओपन हुआ है, तो इसमें हम 4 डेज तक के और यहाँ पे बिडिंग कर सकते हैं। इस IPO में सिंगल लॉट में अगर एप्लीकेशन लगाते हैं तो यहाँ पे एक लॉट में 1200 क्वांटिटी के लिए ऑर्डर प्लेस करना होगा, जिसके लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ये 1,10,400 रुपीज़ हमें लगेगा। अब इस IPO का जो प्राइस बैंड का सेट किया गया है 92 से लेकर 97 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का सेट किया गया है। इस IPO में मैक्सिमम हम 4 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। 4 लॉट मतलब कि यहाँ पे 4,800 क्वांटिटी के लिए ऑर्डर लगा सकते हैं, जिसके लिए जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है ये 4,65,600 रुपीज़ का हम कर सकते हैं। इस IPO के माध्यम से कंपनी जो है ये 66.35 करोड़ रुपये जुटा रही है। दोस्तों IPO में एप्लीकेशन लगाने के लिए जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हम अधिकतम 4 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डीमैट अकाउंट से यहाँ पे आपको 4 लॉट के लिए एप्लीकेशन नहीं लगानी चाहिए, बल्कि आपको अलग अलग अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से एक एक एप्लीकेशन आपको 4 लॉट में लगानी चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको IPO के अलॉटमेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और आप यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट का यूज़ करके आप यहाँ पे IPO में एप्लीकेशन लगाएं, ताकि आपको अलॉटमेंट मिलने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले दिन में IPO का जो सब्सक्रिप्शन का नंबर यहाँ पे देखने में आता है वो क्या आता है। तो हम यहाँ पे जैसे ओपन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी यहाँ पे 5 भी नहीं बजा है और यहाँ जो IPO है फुली सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब कि 13.53 टाइम्स से IPO ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अब यहाँ देखते हैं कि IPO के डेट इसकी डेट क्या है, IPO का ऑफर कब क्लोज होगा, अलॉटमेंट कब आएगा, लिस्टिंग कब आएंगी। तो ये IPO 1 सितंबर से ओपन हुआ है, यह IPO 5 सितंबर तक ये खुला रहेगा। इस IPO का अलॉटमेंट जो है 8 सितंबर को आ जाएगा और इस IPO की जो लिस्टिंग है हमें 13 सितंबर को होती हुई नजर आएंगी। यह जो लिस्टिंग है NSE SME पे होंगी। अब इस IPO में बात आती है कि एप्लीकेशन कैसे लगा सकते हैं। तो एप्लीकेशन लगाने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ की बटन देखने को मिलेंगी, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट मेंशन करना है। मैं जैसे कि यहाँ पे 1 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगाऊंगा, तो 1 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगाना है मतलब कि यहाँ पे 1200 क्वांटिटी के लिए ऑर्डर लगाना है। यहाँ पे जो आपको प्राइस बैंड देखने को मिलेगा ये 92 से लेकर 97 का होता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो हायर प्राइस बैंड है इस पर ऑर्डर लगाऊंगा। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर टाइप है ये इंडिविजुअल है। डीमैट अकाउंट नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसके बाद UPI ID आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। आप जो भी UPI ID यूज़ करते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम पे, गूगल पे, या आपके पास जो भी UPI ऐप है, आपको वो UPI ID यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद बात आती है एक फंड की, यहाँ पे जो फंड देखने को मिल रहा है ये 1,16,400, यह फंड जो है ये हायर प्राइस बैंड का सेट किया गया है और यह फंड जो हमें रखना है हमें सेविंग अकाउंट में रखना है, क्योंकि हमारा जो फंड ब्लॉक होगा वो सेविंग अकाउंट से होता है। इसके बाद अप्लाई फॉर IPO का आपको नीचे बटन देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पे एक कैंसिल और एक प्रोसीड का बटन आएगा, यहाँ पे हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाता है। अब हमने यहाँ पे जो UPI ID को दिया हुआ है उसके ऊपर एक अप्रूवल लिंक जाएंगी, उस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक OTP आएगा, उस OTP को जैसे हम वहाँ पे फीड करेंगे तो हमारा इस IPO में एप्लीकेशन लग जाएगा। अगर हम OTP फीड नहीं करते या लिंक पे क्लिक नहीं करते तो इस कंडीशन में हमारा एप्लीकेशन नहीं लगेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यह एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसका यूज़ करके हम IPO में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आती है करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की, किस IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की जो वेबसाइट है उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे जो अभी इस IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है ये 150 रुपीज़ चल रहा है, मतलब कि 154% का गेन हमें इस IPO में देखने को मिल सकता है। तो यह ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है ये मार्केट की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट की सिचुएशन ऐसी रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, या मार्केट में हमें गिरावट आती है तो
ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी हमें थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने के पहले आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही आप किसी भी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाएं। यह जानकारी आपके एजुकेशन के लिए है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।